So hello students, welcome to my channel. Today we are starting with class 7th chapter 5 water. So when you think of water, what images come to your mind? You think of river, waterfalls, the pitter patter of raindrops, water in your taps. Children love to float paper boats in rain puddles. By noon the puddles vanish. Where did the water go? तो जब हम पानी को देखते हैं तो हमारे दिमाग में कैसी इमेजेस आती है। अगर मैं कुछ लोगों से पूछूं तो वो सोचते होंगे, अगर कोई पहाड़ पे रहता है या उसका मन है पहाड़ पे जाने का, तो वाटरफॉल्स गिर रहे हैं, या फिर रिवर्स की, ओशियंस की, या फिर जब बारिश होती है तो कैसे रेनड्रॉप्स गिरती है, कैसे हम जब पानी मतलब टैप खोलते हैं तो कैसे पानी फ्लो होता है। और बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है पेपर बोट से वो करना, अपनी पानी में पडल्स में। बट जैसे बारिश खत्म होती है, नून होता है, तो वो पडल्स क्या होते हैं, जैसे गड्ढा है, कहीं पे गड्ढा है और वहां पे पानी भर गया, ये चीज पडल्स होती है। तो वो पडल्स, बारिश हुई तब तक तो वो भरा रहता है, बट फिर वापस कहाँ चला जाता है, वो एकदम वैनिश कहाँ हो जाता है वो। द सन्स हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वॉटर। क्या कह रहे हैं, जो सन की हीट है उससे क्या होता है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, अब आप लोगों ने सबने एक ऐड देखा होगा जिसमें एक बच्चा स्कूल से आ रहा होता है तो, और सन क्या उसके ऊपर पाइप लग जाता है और सन चूस रहा होता है उसके अंदर के पानी को। तो वही चीज है, सन क्या करता है, वाटर इवेपोरेट, सन वाटर खींचता है, अर्थ से वाटर खींचता है। जो अर्थ पे वाटर है मीन्स जो बारिश के बाद पानी है, उसको क्या करता है, सन अपनी तरफ उसको सुखाता है और ऊपर ऊपर लाता है वाटर वेपर। तो वेन द वॉटर वेपर कूल्स डाउन इट कंडेंसेस एंड फॉर्म क्लाउड्स। अब ये क्या बोल गए, अब ये कह रहे हैं, अब जैसे वॉटर हमारा ऊपर उठा, वॉटर, अब वॉटर ऊपर लिक्विड फॉर्म में तो उठ नहीं सकता, तो क्या वो गैसेस के फॉर्म में हो जाता है। और जब गैसेस, हम गैसेस, वॉटर की गैसेस को क्या बोलते हैं, वॉटर वेपर्स। अब जब वॉटर वेपर हुआ, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अब हमें पता है जैसे जैसे हम पहाड़ पे जाते हैं, सब लोग पहाड़ पे गए होंगे, तो क्या होता है मौसम एकदम, हम जहाँ पे रह रहे हैं, सपोज वी आर लिविंग इन दिल्ली, हम दिल्ली में रह रहे हैं, तो वहां पे तो जुलाई में बहुत गर्मी होगी, बट जब हम अपनी समर वेकेशन में हम पहाड़ों पे जाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे टेम्परेचर हमारा कम होता रहता है, हमें ठंड लगने लग जाती है जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, हमें जैकेट्स पहननी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे क्या, ठंड होती रहेगी। ठीक है, अब जैसे जैसे ठंड होगी तो वाटर वेपर्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वापस से वाटर में। अब ये क्यों हुआ, इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। अब आप लोगों ने चाय बनाई है तो चाय के ऊपर सपोज हम एक प्लेट रख दिया, दूध उबाला होगा, ऊपर प्लेट रख देते हैं, जैसे ही हम हटाते हैं तो हम देखते हैं उसमें वाटर वाटर की ड्रॉपलेट्स लगी होती है। तो क्या हुआ, इस चीज का मतलब क्या हुआ, वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं। तो क्या हुआ, जब हमने ऊपर ढक रखा था उसको, तो क्या वाटर हमारा इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट हुआ। अब जैसे ही हमने उसको हटाया, वो क्या, वो कूल डाउन हो गया, थोड़ा ठंडा हो गया, और जैसे ही ठंडा हुआ वैसे क्या होगा, हमारे जो वाटर वेपर्स हैं वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब हमेशा ये एग्जाम्पल याद करना और एकदम इजी तरीके से हो जाएगा। तो अब समझ में आया कि सन की हीट इवेपोरेशन करवाएगी, वाटर वेपर बनाएगी, वाटर को वाटर वेपर बनाएगी। जैसे जैसे वो ऊपर जाता रहेगा वैसे वैसे वो ठंडा होगा, और वापस से वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर में, और क्या बनाएंगे, क्लाउड्स। अब बहुत सारे वाटर में कन्वर्ट हो गए तो धीरे धीरे वो एक क्लस्टर बनाते हैं, धीरे धीरे वो जुड़ते हैं आपस में और क्या बनाते हैं, क्लाउड्स। तो फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो और स्लीट। अब वो वापस से क्लाउड्स बन गए, अब वापस से वो नीचे गिर जाएंगे बारिश के फॉर्म में, तो बस यही चलेगा। तो ये क्या बता रहा है कि पहले इवेपोरेशन होगा, कि पहले हमारा क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ, ऊपर गया तो, सॉरी, ऊपर गया तो ठंडा हो गया, ठंडे के बाद क्या हुआ, वो किसमें बदल गया, क्लाउड्स में बदल गया, क्लाउड्स में बदला, फिर धीरे धीरे प्रेसिपिटेशन क्या होता है, बारिश होना, सिंपल बारिश होना प्रेसिपिटेशन। रन ऑफ क्या कह रहे हैं, अब ये सपोज इस पे गिरा, पहाड़ों पे गिरा, तो धीरे धीरे क्या होगा, पहाड़ों से वहीं पे तो अटक नहीं जाएगा, पहाड़ों पे धीरे धीरे वो रिवर्स के थ्रू रन ऑफ होगा उसका, और वो कहाँ पे आ जाएगा, ओशंस। आया समझ में ये प्रोसेस पूरा, तो बस यही कह रहे हैं कि
इट कंडेंसेस एंड फॉर्म क्लाउड्स, फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। अब बहुत ज्यादा ठंडी जगह है तो स्नो के फॉर्म में गिरेंगे, अगर नॉर्मल है तो पानी के फॉर्म में गिरेंगे। नाउ द अर्थ इज लाइक अ टेरारियम। अब एक्वेरियम होता है ऐसे ही एक हमारा जो एनक्लोज होता है जिसमें हम प्लांट्स को रखते हैं। तो जैसे एक होता है ना, देखा होगा कभी बॉटल में प्लांट्स को लगा रखा है बिल्कुल, और बिल्कुल बंद है वो बॉटल, तो उसको कहते हैं टेरेरियम। अब एक्वेरियम से याद कर सकते हो, एक्वेरियम में जैसे फिशेस को हम एकदम बंद करके रखते हैं, वैसे ही प्लांट्स को जब बंद करके रखते हैं उसको टेरेरियम कहते हैं। नाउ द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टूडे। अब ये क्यों कहा उन्होंने, जो पहले सदियों पुराना जो पानी पहले था वो ही अभी है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस अब बार 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 रिपीट होगी तो नई नया पानी कहाँ से क्रिएट होगा? वही पानी साइकिल में रोटेट होके वही पानी घूमता रहता है हमारा। नाउ द वॉटर यूज टू इरिगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोट डाउन द अमेजॉन रिवर 100 ईयर्स अगो। अब हरियाणा हमें पता है इंडियन, हमारी इंडियन स्टेट है हरियाणा। अमेजॉन रिवर कहाँ पे है? आप गैस नहीं करोगे, अमेजॉन रिवर इज इन साउथ अमेरिका। तो ये कह रहे हैं कि जो पानी कभी साउथ अमेरिका में था वो अब कहाँ पे आ गया है? इंडिया में। कैसे आया है ये पानी इंडिया में? इवेपोरेशन के थ्रू बादल बने। अब बादल तो ना एक ही जगह टिके रहेंगे, वो धीरे धीरे मूव करेंगे अपनी जगह से, धीरे 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 धीरे, बहुत सदियों बाद कब होगा, सेंचुरीज बाद, वो हो सकता है हरियाणा के ऊपर गिर रहा हो वो सेम पानी। सो द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। जो फ्रेश वाटर होता है जो हम अब जैसे हम जो ओशन पानी, ओशन में जो पानी होता है, ओशन वाटर होता है, उसको हम फ्रेश वाटर नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, वो सॉल्टी वाटर है, उसको हम पी सकते हैं क्या? एकदम खारा पानी, नमकीन पानी, तो वो सॉल्टी वाटर हम नहीं पी सकते। बट जो रिवर्स के थ्रू आता है, गंगा वाटर है, वो तो हम पी सकते हैं। मतलब अब तो गंदा हो गया इसलिए नहीं पीते, बट हम नॉर्मली उसको पी सकते हैं। सेम विद वाटर जो पॉन्ड्स में होता है, और जो ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर्स क्यों कह रहे हैं? ये ग्लेशियर्स में से कैसे पानी पियेंगे हम, सोचो थोड़ा सा। तो ये ग्लेशियर्स इसलिए कह रहे हैं, अब ग्लेशियर्स मेल्ट होगा तो पानी, अब हम हिमालय पे स्नो है, ठीक है, हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया में हिमालयाज है और उस पे स्नो लगी हुई है, स्नो एकदम गर्मियां आई और हम देखते हैं पानी में पानी ज्यादा हो गया, रिवर्स में पानी बहुत ज्यादा हो गया एकदम से। तो क्यों हुआ? ग्लेशियर्स ही तो मेल्ट हुए, जब गर्मी हुई तो ग्लेशियर्स मेल्ट हुए और वो रिवर्स में पानी अपना बढ़ा देते हैं, इसलिए पानी बढ़ जाता है गर्मियों में। तो अब अगर हम रिवर्स का पानी पी सकते हैं तो इनडायरेक्टली वो पानी तो ग्लेशियर्स से ही आ रहा है, तो हम ग्लेशियर्स को भी मतलब एज अ फ्रेश वाटर ले सकते हैं। नाउ द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। अब जो भी मैंने बताया कि जो ओशन वाटर है उसको हम फ्रेश वाटर की कैटेगरी में नहीं डाल सकते क्योंकि वो खारा पानी है, हम उसको डायरेक्टली नहीं पी सकते, हमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी उसके लिए। नाउ द वाटर ऑफ ओशन इज सॉल्टी और सेलाइन एज इट कंटेन्स अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट। क्यों खारा, नमकीन क्यों है? सेलाइन भी एक अदर वर्ड है फॉर सॉल्टी वाटर, नमकीन पानी को ही हम सेलाइन वाटर कहते हैं। क्योंकि क्यों नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ना डिजोल्व सॉल्ट है। अभी आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि जब वो रॉक से आता है, जब वो माउंटेन से आता है, तो वो एकदम बहुत सारे सॉल्ट को इकट्ठा करके रिवर्स में डंप हो जाता है, वो सारा सॉरी ओशंस में डंप हो जाता है थ्रू रिवर्स। रिवर्स के माध्यम से वो सारा पानी किस में डंप हो जाता है? ओशंस में। नाउ मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन सॉल्ट दैट यू ईट। और सॉल्ट भी हमें ऐसे मिलता है, हम पॉट होल्स बनाते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा, पॉट होल्स बनाते हैं उसमें ओशन वाटर भरते हैं, धीरे धीरे क्या करेगा सन, उसको इवेपोरेट कर लेगा, नीचे क्या रह जाएगा हमारा? सॉल्ट। जो हम जो पानी में जो नमकीन पानी जो नमक होता है वही कॉमन सॉल्ट होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl। सोडियम इज फॉर Na एंड क्लोराइड इज Cl। अब ये हमें बता रहे हैं कि वर्ल्ड मेजर सीज लेक्स एंड रिवर्स, तो आपके में मैप आएंगे और मैप हम कैसे याद कर सकते हैं? हम बस इसको देखते रहेंगे 5 मिनट तक, जैसे फिर हम अब हमें इंडिया का पता है अच्छे से,
हमें पता है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे अरेबियन सी है। सो हमारे इंडिया के राइट हैंड साइड में बे ऑफ बंगाल। अब हमें कैसे याद करेंगे बे ऑफ बंगाल, हमें ये पता है यहाँ पे वेस्ट बंगाल होता है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है तो बे ऑफ बंगाल। अब ऐसे हम इसका तो हमें लर्न हो जाएगा कि एक तरफ बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ अरेबियन सी। अब हमें पता है गंगा रिवर कहाँ से फ्लो करती है, उत्तराखंड, उत्तराखंड, यूपी, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल, तो गंगा हमें पता है, तो गंगा तो बहुत इजी है। ऐसे ब्रह्मपुत्र हमारी यहाँ से फ्लो होती है, ब्रह्मपुत्र असम के थ्रू आती है, फिर यहाँ पे ये दोनों मिक्स हो जाती हैं। तो हमने चार चीजें याद कर ली, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, हमने इंडिया का सब कुछ लर्न कर लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं इस वाले एरिया में, दिस एरिया। अब यहाँ पे सीज बहुत सारे हैं, ये क्या है, अब जो अफ्रीका और एशिया के बीच में है उसको हम कहेंगे रेड सी। अफ्रीका यूरोप के बीच में कौन सा है, मेडिटेरेनियन सी। ऐसी जो ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ये यूरोप में थोड़े थोड़े गड्ढे बने हैं उसमें, मतलब तो ऐसे छोटे छोटे गड्ढे नहीं, बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं और उसमें पानी भर गया तो उन्होंने नाम दे दिया। तो दिस इज ब्लैक सी, दिस इज कैस्पियन सी। तो बस अभी हम इतने ही करते हैं, फिर आपको, आप लोगों को ऐसे ही लर्न करना है ये चीज। अब हमें पता है अमेजोन रिवर हमने ऊपर पढ़ लिया तो ये इजी हो गया आपके लिए, अमेजोन रिवर इज इन साउथ अमेरिका। ऐसे ही मिसिसिपी रिवर हमारा कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में। अब जैसे लेक विनीपेग, लेक सुपीरियर, लेक हुरॉन, सॉल्ट लेक सिटी, ऐसे ही जो कनाडा में दो आते हैं हमारे लेक्स। अब ऐसे पता है ना आप लोग को, ऐसे ऐसे लाइन जाती है, तो दिस इज कनाडा एंड दिस इज अमेरिका, यू कैन से इट यूएसए, और फिर नीचे हमारा आता है ऐसे मेक्सिको। तो ऐसे बटा हुआ है तीन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका मतलब ये नहीं सिर्फ अमेरिका है, वहां पे कनाडा है ऊपर, बीच में यूएसए और नीचे मेक्सिको है। सो नाउ भी अब आप लोगों को ऐसे ही मैप लर्न करना है, अपने रिवाइज करना है, और फिर धीरे धीरे हो जाएगा बस। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखनी है वाटर बॉडीज की। नाउ वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर। अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो अर्थ का पूरा जो एरिया है उसका जो 3/4 हिस्सा है वो पानी से है, पूरा पानी है, बस लैंड बहुत कम है। इसका मतलब इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, वी वाई डू सो मेनी कंट्रीज फेस वाटर स्केसिटी। वाटर स्केसिटी की पानी की कमी क्यों है फिर, जब इतना सारा पानी है और इतना कम लैंड है तो पानी की कमी क्यों है। अब हमने इसका आंसर पहले ही दे दिया है। सो वन, अब 1 मिनट के लिए या फिर 30 सेकेंड्स के लिए आप लोग सोचेंगे, फिर मैं उसके बाद बताऊंगी कि क्या, अपने दिमाग में सोचेंगे कि क्यों पानी कम है फिर भी जब इतना सारा पानी है तो। अब मैं बता देती हूँ, सो द आंसर इज कि कैसा पानी है वो, फ्रेश वाटर है या सॉल्टी वाटर है, सॉल्टी वाटर। ओशन में कैसा होता है, खारा पानी, सॉल्टी वाटर है तो वो हम यूज नहीं कर सकते। नाउ इज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। ओशन में कितना पानी है, 97.3%, 100%, पूरा जितना भी पानी है उसमें से 97%, 97.3% किसमें है, सलाइन वाटर, खारा पानी है ये, तो हम वो यूज नहीं कर सकते। तो ये हमारा कट हो गया कि ये फ्रेश वाटर नहीं है। अब आइस कैप्स को हम यूज कर सकते हैं, आइस कैप्स इज मतलब आइस कैप्स का दूसरा वर्ड क्या है, ग्लेशियर्स, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर क्या है, जो जमीन के अंदर पानी होता है जिसको हम समरसिबल से ऊपर मतलब खींचते हैं पानी, मोटर चलाते हैं सुबह, तो वो ग्राउंड वाटर से पानी आता है। ऐसे ही फ्रेश वाटर लेक्स, जो एकदम फ्रेश वाटर वाले लेक होते हैं। इनलैंड सीज एंड, सो अब इनलैंड सीज क्या है, लैंड के सपोज दिस इज लैंड, अब ऊपर हमने देखा था जो ब्लैक सी है चारों तरफ लैंड है ना उसके, और बीच में सी है, तो इसको हम कहते हैं इनलैंड सी, कि चारों तरफ लैंड और बीच में सी, तो इनलैंड सी। अब बताओ अरेबियन, अरेबियन सी इज द इनलैंड सी और नॉट, जस्ट रिप्लाई इट बिलो। ध्यान रखना कि यहाँ पे चारों तरफ लैंड है या नहीं है, अगर लैंड है चारों तरफ तो ये इनलैंड सी है, और अगर नहीं है चारों तरफ लैंड तो इट इज नॉट।
नाउ एटमोसफेयर में कैसे पानी आ गया? थ्रू वाटर वेपर, इतना है। और रिवर्स में हमारा इतना पानी है, तो कितना कम पानी है हमारा? 97.3% इज जस्ट वेस्ट, क्योंकि वो नमकीन पानी है। बस इतना ही पानी हम यूज कर सकते हैं, विच इज 2.7% यूज कर सकते हैं हम, तो इसलिए कमी है पानी की। नाउ अब हम, सेलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। द एवरेज सेलिनिटी ऑफ द ओशन इज 235 पार्ट्स पर 1000। अब ये हम सेलिनिटी क्या है कि कितना नमकीन है एक पानी में, और उसको हम कैसे मेजर करते हैं कि कितना सॉल्ट है पर 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में, किसमें? पर 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में। और जो नॉर्मल होता है, एवरेज, एवरेज पता है ना क्या होता है? एवरेज जो मीन होता है, एवरेज होता है 35 पार्ट्स पर 1000। इसको हम पीपीटी भी लिख सकते हैं, पार्ट्स पर 1000। अब जो डेड सी है इसराइल में, हैज सेलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। 340 ग्राम्स, हमने एवरेज क्या पढ़ा ऊपर कि कितना होता है 35, इसका 350 है। इसका मतलब इतना ज्यादा डेंसिटी है इस पानी की, इतनी ज्यादा सेलिनिटी, इतना ज्यादा नमकीन है ये पानी कि स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट मेक्स इट डेंस। अब आप सबने एक एक्सपेरिमेंट जरूर कर रहा होगा कि पानी के ऊपर ऑयल गिराया होगा, तेल गिराया होगा, तो क्या होता है उस तेल का? वो अंदर चला जाता है या ऊपर ही फ्लोट करता है? तो वो ऊपर ही फ्लोट करता है। क्यों करता है ऊपर फ्लोट? क्योंकि वाटर की डेंसिटी, वाटर की जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत पास पास है और ऑयल के इतने पास नहीं है, तो वो उसको नीचे जाने ही नहीं देता ऑयल को। ऐसे ही जब बहुत ज्यादा हमारा नमकीन पानी होता है ना, तो बहुत ज्यादा पास पास मॉलिक्यूल्स है। इसका मतलब डेंसिटी का मतलब क्या होता है? को हम सपोज एक रूम में हम 10 लोगों को खड़ा कर दे और एक उसी रूम में हम 100 लोगों को खड़ा कर दे, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली जो 100 लोग खड़े होंगे, बिल्कुल जगह ही नहीं होगी उसमें। तो ऐसे ही जब बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, ऐसे ही आप नमकीन को सोचो, सपोज एक ही रूम में पानी भर दिया मैंने और उसमें बहुत ज्यादा नमक डाल दिया, तो उसमें बहुत पास पास खड़े हो गए सब लोग, तो अब ऊपर से कोई आएगा तो वो नीचे जा ही नहीं पाएगा, तो वो वैसे ही ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा। यही ऑयल के साथ होता है, और यही अगर डेंसिटी, अगर बहुत ज्यादा नमकीन होता है पानी, तो यही हमारा किसके साथ होता है? स्विमर्स के साथ, लोगों के साथ है, तो वो नीचे ही नहीं जा सकते, वो फ्लोट ही करते रहते हैं ऊपर, जैसे ऑयल फ्लोट करता है वाटर के ऊपर। अब ये यही बता रहे हैं कि कैसे ये बढ़ाएंगे, 2 स्पून डाल दो, 9 स्पून डाल दो, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी इसकी। वाटर इज एब्सोल्युटली असेंशियल फॉर सर्वाइवल। वाटर अलोन कैन क्वेंच आर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली? अब हमें इतना पता लग गया कि वाटर कितना असेंशियल है और कितना कम है, कितने सारे लोग हैं और कितना कम अवेलेबल है पानी हमारे, फिर भी हम बहुत केयरलेसली यूज करते हैं पानी को और बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, तो आगे से हम प्लेज लेते हैं कि हम नहीं करेंगे वेस्ट। ठीक है, नाउ अब ओशियन सर्कुलेशन। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स, द स्मेल ऑफ सॉल्ट इन द एयर एंड द म्यूजिक ऑफ द वेव्स, एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग। कि खैर मैं तो अभी नहीं गई हूँ अभी तक सी साइड, सी शोर पे, बट कोई अगर गया हो तो उसको, उसने अगर एक्सपीरियंस करा हो ये वेट सैंड जो है बीच पे, या फिर हम, मैंने बस मूवीज में देखा है, कूल ब्रीज, सी बर्ड्स, स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर। अब स्मेल ऑफ द सॉल्ट क्यों आएगी एयर में? क्योंकि खारा पानी है, नमकीन, सी के पास ही तो होता है ओशियन सी। नाउ अनलाइक द काम वाटर ऑफ पूल एंड लेक, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूअसली। और ये भी देखा होगा कि वेव्स आती है फिर चली जाती है, वेव्स आती है फिर चली जाती है, कभी स्टिल नहीं होता। अब सपोज हमने सपोज आपने वो देखा होगा, पॉन्ड देखा होगा या लेक देखा होगा, वो एक स्टिल रहता है एकदम शांत, बट ओशियन हमारा क्या, वेव्स आ रही हैं, वो एकदम स्टक करती हैं सी शोर को, फिर वापस चली जाती हैं, तो यही चलता रहता है, कभी वो एकदम ऐसे आराम से नहीं होता है कि आराम से आज। नाउ द मूवमेंट्स दैट अकर इन द ओशंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। तीन चीजों में हम डिवाइड करते हैं इसको, वेव्स को, वेव्स की कैसे होता है, टाइड्स क्या होता है और करेंट्स क्या होते हैं।
नाउ विद दिस माई पार्ट वन इज कम्प्लीट ऑफ दिस वीडियो. इफ यू आर इंटरेस्टेड गो प्लीज चेक द अनदर वीडियो एंड इन विच विल स्टडी द वेव्स लेक्स वेव्स ओशन करेंट्स एंड टाइड्स. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक सो प्लीज वॉच दिस पार्ट टू ऑल्सो. एंड विद दिस वी एंड अ पार्ट वन एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल लाइक द वीडियो. थैंक यू.